रीजनिंग के सेशन 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से वही 40 क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप जितना हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जितना हो सके एकदम आग की तरफ फैला दीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन काफी कम मिलेगा आप लोगों को और ऐसा वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन थे। तो पहला वाला आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि द पीपल टेक 10 पीपल, है ना। क्वेश्चन आपका लिखा गया 10 पीपल ए बी सी डी ई एच आई जे के एल, है ना, आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो। मतलब आपका दो समानांतर पंक्ति पे क्या है, 10 लोग बैठे, मतलब एक पे 5 लोग बैठेंगे और दूसरे वाले पे भी कितने लोग बैठेंगे, 5 लोग बैठने वाले हैं। सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, है ना, आपका दोनों जो है इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। ठीक है, एक का फेस आपका फर्स्ट वाले का फेस आपका साउथ है और सेकंड वाले रो का फेस आपका क्या है, नॉर्थ की ओर है। इस मेंबर ऑफ रो 1 फेसेस अनदर मेंबर ऑफ रो 2, मतलब जो भी आपका मेंबर रो 1 वाला होगा उसका फेस आपका रो 2 वाले की ओर होने वाला है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दे आर फ्रॉम 5 डिफरेंट कंट्रीज, मतलब क्या है, वो आदमी आपका 10 और कंट्री आपका 5, मतलब एक कंट्री में कितने लोग, 2 लोग होने वाले हैं, है ना। 5 आपका कंट्री है, उसमें आपका क्या किया गया है, उसमें आपका अलग अलग बुक भी कंटेंट कर रहे हैं, मतलब बुक भी आपका रख रहे हैं। ठीक है, बुक का आपका नंबर दिया गया 2, 9, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 30 और 36, मतलब आपका 10 लोग 10 बुक कंटेंट कर रहे हैं अलग अलग, और आपका 5 कंट्री का क्या है, नाम दिया गया है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पहले खींच लेते हैं 5-5 लोगों का 2 पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं 5-5 लोगों का 2 पैरेलल, 1, 2, 3, 4 और 5। पहले रो वाले जो लोग हैं उनका फेस है क्या, साउथ की ओर, और दूसरे रो वाले जो लोग हैं उनका फेस क्या है, नॉर्थ की ओर। तो ये मेरा पहला वाला रो हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला रो हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कौन पहले वाले रो में 10 लोगों में से बैठ रहा है या फिर दूसरे वाले रो में 10 लोगों में से कौन बैठ रहा है, ये मेरा कंफर्म बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो हम लोग भी वैसे ही क्या, जैसे जैसे आपका इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अरेंज करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 पर्सन अमंग देम आर फ्रॉम इंडिया, मतलब जैसे कि 2 लोग आपका क्या है, इंडिया से है। ऑल्सो द फॉलोइंग इज नोन अबाउट देम, ठीक है, द पर्सन फ्रॉम सेम कंट्री डू नॉट सिट द सेम रो और द अपोजिट टू ईच अदर, मतलब आपका जो भी आपका सेम कंट्री से जो लोग बिलोंग करते हो ना तो साथ बैठेंगे और ना तो आपका एक दूसरे के आमने सामने बैठने वाले हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग यही से स्टेटमेंट क्या लिखा है कि ए हु इज फ्रॉम जर्मनी, ए जो है वो जर्मनी से है, सिट अपोजिट टू द पर्सन हु हैज नंबर ऑफ बुक इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। हम लोग को क्या करना है कि पहले नंबर लिख लेना, भाई साहब नंबर लिखेंगे तो मेरा 25% काम ऐसे ही हो जाएगा, 2, 9, 12, ठीक है, 16, 17, 18, 24, 25, उसके बाद आ जाएगा 30, फिर आपका 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका नंबर हो गया, मतलब नंबर ऑफ बुक्स हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ए के बारे में क्या लिखा था कि ए जो है आपका जर्मनी से बिलोंग करता है, ए जो है वो कहां से बिलोंग करता है, जर्मनी से बिलोंग करेगा और ये अपोजिट बैठेगा किसके, जो आपका क्या है, स्क्वायर है इवन नंबर का। तो इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर का स्क्वायर 2, मतलब 4 होना चाहिए स्क्वायर में, 4 मतलब क्या, 16 होना चाहिए। यहां पे देखिए 4 आपका 16 है, ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, और एक 4 का ये आपका 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका 36 हो जाएगा। 2 हमको यहाँ नंबर मिला, तो या तो ये 16 हो सकता है या तो ये आपका क्या हो सकता है,
36 हो सकता है, दोनों में से मेरा एक पॉसिबिलिटी होगा। अब ये कहाँ बैठेगा, ये तो ऊपर वाले रो में भी बैठ सकता है और आपका नीचे वाले रो में भी बैठ सकता है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, आगे वाला लाइन पर इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं। ए आपका जर्मनी और आपका या तो 16 होगा या तो आपका 36 होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे, फिर क्या कि पर्सन हैविंग 18 बुक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के इन द फर्स्ट रो, मतलब पहले वाले रो में आपका के सेकंड टू द लेफ्ट बैठ रहा है, मतलब आपका के फर्स्ट वाले रो में बैठेगा और सेकंड टू द लेफ्ट में बैठेगा जिसके पास 18 बुक है, लेकिन ये ई नहीं होगा। क्वेश्चन में लिखा है बट इज नॉट ई, आपका ई होने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला लाइन क्या है कि बी हु इज फ्रॉम जापान, बी हु इज फ्रॉम जापान सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, मतलब बी के दाएं दूसरे प्लेस पे बैठा हुआ है, डी के दाएं दूसरे प्लेस पे बैठा हुआ है कौन, आपका बी जो है कहां से, जापान से, ठीक है। द पर्सन फ्रॉम जर्मनी इन सेकेंड रो हैज नंबर ऑफ बुक ऑफ मल्टीपल ऑफ बुक्स, द पर्सन फ्रॉम नेपाल इज द सेम रो हैज। क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे कि जर्मनी, जर्मनी वाला जो सेकेंड रो में बैठेगा, जर्मनी वाला कहाँ बैठेगा, सेकेंड वाले रो में बैठेगा, वो क्या होगा आपका, उसका जो नंबर ऑफ बुक जो होगा वो नेपाल वाला उसी रो में, उसका नंबर ऑफ बुक जो होगा वो जर्मनी वाले के नंबर ऑफ बुक का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अगर मान लो ये यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे आपका 16 तो नहीं होगा, ये अगर 18 होता है जर्मनी का, ठीक है, तो आपका नेपाल वाला 2 हो जाएगा क्योंकि 18 का मल्टीपल आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 भी हो सकता है, 9 टू 18 36 भी हो सकता है आपका, ठीक है। यही बोला कि जर्मनी वाला का जो आपका और नंबर ऑफ बुक होगा वो मल्टीपल होगा किसका, नेपाल वाला का उसी रो में, है ना। चलिए ए हु इज इन द फर्स्ट रो सिट एडजेसेंट टू द पर्सन हु इज फ्रॉम नेपाल, ई जो है वो फर्स्ट रो में बैठेगा, ई जो है वो फर्स्ट रो में बैठेगा, तो ये भी आपका ई फर्स्ट रो में बैठेगा और ये जो क्या होगा वो जो नेपाल से होगा उसके ठीक एडजेसेंट होने वाला है, ये आपका बताया गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जे हु इज फ्रॉम नेपाल, जे जो है वो कहाँ से है, नेपाल से, तो हम लोग एक और चीज यहाँ पे लिख लेंगे कि जे आपका है कहाँ से, नेपाल से, ठीक है। सिट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस इन, है ना, पॉसिबल डिस्टेंस इन डिफरेंट रो फ्रॉम एच हु इज इन द फर्स्ट रो हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ बुक, कहने का मतलब है कि जे और एच जो है वो मैक्सिमम डिफरेंस पे बैठेगा। मैक्सिमम डिफरेंस कहने का मतलब है कि हमेशा आप लोग डायगनली अपोजिट लीजिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ बोल रहा है कि एकदम डायगनली अपोजिट पे एच और जे बैठेगा और एच का जो नंबर ऑफ बुक होगा वो एटलीस्ट सबसे कम होगा, तो सबसे कम वाला आपका कितना है, 2 है, नंबर ऑफ बुक आपका 2 है, क्या 2 है, और ये बैठेगा, जब भी बैठेगा तो आपको फर्स्ट वाला रो में ही बैठने वाला है, कौन, एच, और एच जहाँ बैठेगा या तो एच यहाँ होने वाला है या तो एच आपका यहाँ होने वाला है, ठीक है। अगर एच यहाँ होगा तो जे यहाँ होगा, अगर एच यहाँ होगा तो आपका जे यहाँ होगा। चलिए फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जे एंड एच सिटिंग इन डिफरेंट रो, बात तो वही है कि जे और एच आपका क्या डिफरेंट रो में बैठ रहे हैं, ठीक है। डी हु इज फ्रॉम चाइना, डी जो है वो चाइना से है एंड सिट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजिशन इन सेकेंड रो एंड हैज 24 बुक, मतलब आपका डी चाइना से है और वो 24 बुक कंटेन करता है, 24 बुक आपका रखता है और एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ है। एक्सट्रीम क्या है, लेफ्ट में बैठा हुआ, और ये है कहाँ से, चाइना से है, 24 बुक कंटेन करता है। अब हमको एक क्लू मिला है, ठीक है, दूसरा क्लू खुद ब खुद बैठने के लिए तैयार है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं लेना हम लोग, एकदम जितना कम पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज्यादा कम टाइम लगेगा और जल्दी बनेगा, बस थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, और पढ़ते जाइएगा, इन्फॉर्मेशन लिखते जाइएगा और जो श्योर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगा उसको इस ग्राफ पे अरेंज करते जाइएगा या इस लाइन, ठीक है।
जैसे ही डी यहाँ बैठ गया क्रच कभी नहीं हो सकता है यहाँ, तो एच यहाँ कन्फर्म होगा, आर एच जैसे ही कन्फर्म होगा तो टू यहाँ कन्फर्म होगा, और टू जैसे ही कन्फर्म होगा तो यहाँ पे जे कन्फर्म होगा, जे जैसे ही कन्फर्म होगा तो यहाँ क्या कन्फर्म होगा, नेपाल, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और जैसे ही नेपाल यहाँ डी यहाँ कन्फर्म, तो डी के सेकेंड टू द राइट में कौन बैठा होगा आपका, बी बैठा होगा, तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ बी क्या हो जाएगा आपका, नेपाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पीपल फ्रॉम जापान हैज कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ बुक्स बट डजंट इंक्लूड एनी स्क्वायर इवन नंबर, है ना, एनी स्क्वायर नंबर, मतलब आपका क्या है, जो लोग जापान से बिलोंग करते हैं, जो लोग क्या है जापान से बिलोंग करते हैं, उनका जो नंबर ऑफ बुक होगा वो कंसेक्यूटिव होगा, मतलब एक के बाद एक होगा, जैसे आपका 14 हो रहा है तो जापान दूसरे वाला का 15 होने वाला है, अगर एक का आपका 16 हो रहा है तो दूसरे वाले का 18, ये 17 हो रहा है, और ये अगर 17 हो रहा है तो दूसरे वाले का क्या 18 हो रहा है, लेकिन जापान दोनों कंसेक्यूटिव आपका रहने वाला है। तो देखो क्या कि मेरे पास तीन कंसेक्यूटिव नंबर है, 16 17 18 16, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, 4 का कोई भी स्क्वायर कोई भी आपका कंसेक्यूटिव नंबर जापान नहीं रखेगा, तो जब भी होगा आपका क्या होगा 16 17 और 18, तो ये आपका जापान होगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, जापान, ठीक है, दोनों आपका क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा, सॉरी बी नेपाल नहीं होने वाला, बी जापान होगा ना, चलिए बी आपका जापान होगा। जब जैसे ही यहाँ पे जापान होगा तो इतना तो मेरा एडजस्ट हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, द पर्सन हैविंग सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स फिट इन द मिडिल ऑफ द फर्स्ट रो बट नॉट एच और एल, जो आपका सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक है, तो फर्स्ट हाईएस्ट आपका 36 है और सेकेंड हाईएस्ट आपका क्या है 30 है, वो रो के फर्स्ट वाला रो के ठीक मिडिल में बैठने वाला है, और ना तो ये एच होगा और ना ही एल होने वाला, भैया एच तो ऑलरेडी बैठ चुका है तो नहीं होगा क्या आपका, एल नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए ओनली वन पर्सन हैज ऑड नंबर ऑफ बुक्स इन द फर्स्ट रो बट नॉट ई, मतलब केवल एक ही लोग के पास पहला वाला रो में आपका ऑड नंबर बुक कंटेन करता है, लेकिन आपका ई जो है वो आपका ऑड नंबर बुक क्या होगा, कंटेन नहीं करेगा, आया समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आई हु इज फ्रॉम जर्मनी, है ना, आई हु इज नॉट फ्रॉम जर्मनी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन सिटिंग अपोजिट ई, कहने का मतलब है कि आई जो है वो ई के ठीक सामने बैठने वाले व्यक्ति के सेकंड टू द लेफ्ट में है और ये जर्मनी से नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग ई को यहाँ रखते हैं, अगर ई यहाँ फर्स्ट रो में ही बैठेगा, ठीक है, ई को यहाँ रखेंगे तो इसके ठीक सामने वाले व्यक्ति के बैठ दूसरे स्थान में कभी आई नहीं होगा क्योंकि ये चाइना है और डी बैठ चुका है, ठीक है, अगर ई को यहाँ रखेंगे तो यहाँ कभी नहीं होने वाला है, तो मेरे पास बस एक और एक ही पॉसिबिलिटी है, ई जब भी बैठेगा तो आपका यहाँ बैठेगा, उसके ठीक सामने वाले बैठने वाले व्यक्ति के बैठ दूसरे स्थान पे क्या बैठ रहा है आपका, आई बैठ रहा है, और आई आपका जर्मनी नहीं होगा, तो आपका जर्मनी यहाँ पे नहीं होने वाला है, जर्मनी यहाँ नहीं होगा तो नेपाल जापान चाइना जर्मनी होगा नहीं, तो बचा गया आपका इंडिया, और जैसे ही इंडिया बचेगा, इंडिया यहाँ हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका, चाइना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। चलिए अब क्या है आपका डी और बी कंप्लीट हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जे आपका नेपाल ये भी कंफर्म हो गया, एच आपका टू बुक कंटेन करता है ये भी कंफर्म हो गया, ये भी कंफर्म हो गया आपका, ठीक है। अब आपका बचा क्या यहाँ पे कि एच ये के और 18 वाला बच गया, तो जैसे ही यहाँ पे के और 18 वाला होगा तो हम लोग क्या है यहाँ पे के को रखेंगे तो यहाँ 18 बुक कंटेन नहीं करेगा आपका ही कंफर्म, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे के को रखेंगे, एक मेरा यही पॉसिबिलिटी बचा है, और यहाँ 18 होगा, ठीक है, जैसे ही यहाँ 18 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा जापान, और जैसे ही वहां जापान तो यहाँ भी जापान, तो इसका नंबर आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो के यहाँ पे बैठ गया है
कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सी इज सिटिंग इन द सेकेंड रो, सी जो है आपका सेकेंड वाले रो में बैठेगा, तो कंफर्म मेरे पास एक ही जगह खाली है ना सी का, यहाँ पे सी वाला का यहाँ जो है एक ही जगह आपका बैठ रहा है, यहाँ चाइना दो जगह हो गया क्या, यहाँ क्या हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी हो जाएगा, ठीक है जर्मनी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका, और ऊपर वाले में देखो कि सारा इवन नंबर होगा, एक ही आपका ऑड नंबर होने वाला है, 1 2 3 यहाँ पे सारा इवन नंबर है तो एक ही आपका ऑड नंबर होने वाला है, तो आपका 2 भी एडजस्ट हो गया, 17 18 भी एडजस्ट हो गया आपका, फिर आपका क्या एडजस्ट हो गया 30 भी अरेंज हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जे इज फ्रॉम द नेपाल, मतलब हाँ एक और लिखा था क्या ई और नेपाल वाला इमीडिएट नेबर है क्या, ई और जापान इधर हो चुका है तो कंफर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा नेपाल अरेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और जैसे ही यहाँ नेपाल अरेंज हो जाएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं। बचा क्या आपका ए जर्मनी, क्या ए यहाँ नहीं हो सकता, ए यहाँ नहीं हो सकता तो ए यहाँ हो जाएगा और यहाँ जर्मनी हो जाएगा, ठीक है यहाँ जर्मनी हो गया, हो चुका है यहाँ चाइना नहीं होगा तो चाइना यहाँ पे अरेंज हो जाएगा और यहाँ क्या अरेंज हो जाएगा इंडिया अरेंज हो जाएगा, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा, सबसे हाईएस्ट नंबर जो होगा वो ठीक इमीडिएट नंबर वाले का मल्टीपल होगा, कंफर्म ये तो बताया गया, सबसे हाईएस्ट नंबर मेरा क्या है 36, अभी 36 यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है तो कभी भी यहाँ अगर 36 बैठेगा तो इसका मल्टीपल हो रहा है क्या, नहीं ना, और यहाँ नेपाल भी नहीं है तो यहाँ क्या आपका अरेंज हो जाएगा 16, और ए वाले के सामने क्या बैठा है सिर्फ आपका 16 जो जर्मनी से है आपका, इतना तो कंफर्म हो गया। अब बचा मेरा सबसे हाईएस्ट नंबर वाला और बगल वाला जो इमीडिएट नंबर उसका इमीडिएट मेंबर है जो नेपाल वाला है कंट्री, उसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है हाईएस्ट नंबर आपका 36 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 9 और 12, मतलब आपका 9 का भी मल्टीपल 36 है और आपका 12 का भी मल्टीपल आपका क्या है 36 हो रहा है, ये हो रहा है आपका, तो 12 की है 36 और 9 4 36 हो जाएगा, जब ये दोनों अरेंज हो जाएगा मान लो यहाँ पे अगर 12 रखेंगे तो 9 और 25 यहाँ होगा, 9 और 25 यहाँ होने वाला है तो दो दो ऑड नंबर हो जाएगा ना, तो ऊपर वाला में हमको सिर्फ एक ही ऑड नंबर चाहिए बाकी सारा इवन नंबर चाहिए हमको, ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 नहीं होगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, कंफर्म 9 हो जाएगा, जैसे ही यहाँ 9 होगा ऊपर वाले में यहाँ पे या तो 25 यहाँ पे या तो 25 यहाँ पे, 12 यहाँ पे या फिर 12 यहाँ पे, ये हो गया। लेकिन लिखा क्या कि फर्स्ट वाले रो में आपका ऑड नंबर होगा लेकिन वो ई आपका नंबर बुक जो है वो कंटेन नहीं करेगा, रखेगा नहीं, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा 12 और ये आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है तो आपका ये भी कंफर्म हो गया, आपका ये भी कंफर्म हो गया और आपका टोटल अरेंज हो जाएगा, बन गया आपका क्वेश्चन। चलिए हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी बुक्स डज ए हैव, ए के पास कितना बुक है, ए आपका है कहाँ तो 25 बुक है, ठीक है ई बिलोंग्स टू विच कंट्री, ई जो है आपका किस कंट्री से बिलोंग करता है तो आपका चाइना से बिलोंग करता है, ठीक है चाइना से बिलोंग करता है, यहाँ एक बच गया क्या, यहाँ एल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए एच बिलोंग्स टू विच कंट्री, एच जो है वो कौन कंट्री से, तो एच आपका इंडिया से बिलोंग करता है, हु हैज 12 बुक्स, 12 बुक्स किसके पास है तो चाइना वाले के पास, मतलब ई के पास आपका 12 बुक्स है, who is sitting next to the laptop person sitting opposite I के जो opposite में बैठा है, I के opposite में बैठा है, इसके next to the left में कौन बैठा है, 1 2 3 L जापान और भारत, तीनों में से मुझे एक ऑप्शन है, हाँ है L, तो आपका L क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा है क्या कि एक पर्सन एन ओ पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, है ना स्क्वायर टेबल पे आपका बैठे हैं और उन सबका फेस जो है वो कहाँ पे है, वो आपका फेसिंग द सेंटर किए हुए हैं, इन सच ए वे दैट टू पर्सन सिट ईच एज, है ना ऑफ द टेबल, ठीक है देन हु सिट्स थर्ड टू द राइट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर,
फिजिक्स सेंटर की एक स्क्वायर टेबल पे और इन सच वे दैट टू पर्सन सिट एट द ईच एज ऑफ द टेबल, मतलब आपका ये स्क्वायर है आपका, स्क्वायर पे प्रत्येक साइड आपका दो दो लोग करके बैठे। पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हम लोग ये देख लेंगे। स्क्वायर है, ये दो लोग बैठेंगे, ये दो लोग बैठेंगे, ये दो लोग बैठेंगे और सबका फेस आपका क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते क्या है, फर्स्ट वाला हम स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टर्न टू द लेफ्ट में आपका है या आर के टर्न टू द लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन है तो एन के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है कौन, टी, ठीक है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, हु आया है मतलब क्या है, सेकंड वाले पर्सन के लिए आपका हुआ है। डब्ल्यू से जो भी आपका इंग्लिश में वर्ड स्टार्ट होता है वो हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए आएगा, ठीक है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी मतलब एन जो है आपका पी के दाहिने तीसरा है, वन टू थ्री, तो पी आपका यहाँ, पी आपका कहाँ बैठ जाएगा, एक दो तीन, पी आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला है क्या, यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, यू जो है वो एस के इमीडिएट लेफ्ट में बैठ जाएगा, ठीक है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू मतलब एस जो है आपका क्यू के दाहिने तीसरा, सॉरी बाएं तीसरा, सॉरी बाएं तीसरा बैठने वाला है। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, ओ जो है वो आपका टी के दाएं तीसरा है, तो एक दो तीन, वो आपका यहाँ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हु सिट्स टी, हु सिट्स विद क्यू एट द सेम एज मतलब आपका टी जो है वो क्यू के साथ सेम किनारा एक ही साइड पे बैठेगा, यहाँ क्यू हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ क्यू होगा तो क्यू से रिलेटेड हम लोग कॉमन टर्म ढूंढेंगे तो देखेंगे क्या कि आपका थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो वन टू थ्री और एस बैठा हुआ है, और एस के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, यू, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका। तो इस फिगर से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि आर के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो वही सारा फिगर बनाएंगे हम लोग, प्रत्येक पे दो लोग बैठेगा और सबका फेस क्या होगा, इनसाइड होने वाला है, ठीक है, इनसाइड होने वाला है। दूसरा वाला स्टेटमेंट मेरा क्या बोल रहा है कि पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट ऑफ यू, पी जो है वो यू के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है ना, तो यू यहाँ हो जाएगा और पी आपका यहाँ हो जाएगा, कहीं भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ मतलब यू जो है वो ओ के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो वो एक और दो, यू भी आपका फिक्स हो गया, ओ भी आपका फिक्स हो गया। एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू है ना, तो क्यू के आपका इमीडिएट राइट में एन बैठा हुआ है, एन का हमको पता नहीं है, पहले देख लेते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्यू के बारे में क्या लिखा है कि वो सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ मतलब एन जो है ये आपका क्यू जो है वो ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ क्यू हो जाएगा, और क्यू के ठीक दाहिने में एन बैठा हुआ है, तो यहाँ आपका एन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी मतलब एस जो है वो टी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी मतलब टी जो है आपका इमीडिएट राइट ऑफ पी में है और पी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, एस, ठीक है। ओ सिट्स विद एन, सही है, बचा आपका। तो आपका ये वाले फिगर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पहले वाले से भी निकाल सकते हैं, दूसरे वाले से भी निकाल सकते हैं, तो आपका ओनली वन एंड ओनली टू हो जाएगा, मतलब आपका दोनों से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मेरा क्या दे रखा है यहाँ पे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है सेवन नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, वेयर स्टूडेंट ने लीनियर रो फेस प्लॉट मतलब आठ लोग हैं आपका, ये भी आपका डीएस है, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, और सबका फेस आपका है कहाँ, सबका फेस आपका नॉर्थ में, ये लेफ्ट हो जाएगा आपका, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहला वाला क्या बोल रहा है कि इसका स्टेटमेंट में क्या पूछा कि हु वाज सीटेड ऑन द लेफ्ट मोस्ट एंड मतलब आपका लेफ्ट में कौन आपका बैठा हुआ है, लेफ्ट एंड वाले में सबसे लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है।
डी वाज सिटेड इमीडिएट राइट ऑफ बी, डी जो है वो बी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। हु वाज सिटेड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब आपका बी जो है वो आपका लेफ्ट से कितना है, तीसरा है, एक दो तीन, तीसरा आपका बी हो जाएगा। और बी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ, आपका डी बैठा हुआ है, ठीक है। जी वाज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जी वाज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जहां ई बैठेगा उसके सेकंड टू द लेफ्ट में आपका जी बैठने वाला है, ठीक है। एफ वाज सीटेड फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, एक दो तीन चार, एफ यहां कंफर्म, ठीक है। एंड वाज द राइट ऑफ ए, एंड वाज द क्या हो जाएगा, राइट ऑफ ए, मतलब क्या कि एफ जो है, एफ जो है आपका वो ए के ठीक, एफ वाज क्या लिखा है, अच्छा राइट ऑफ ए है, मतलब ए के दाएं बैठ सकता है, तो ए आपका यहाँ भी और ए आपका यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। जी और ई के बीच में आपका कितने लोग हैं, एक लोग हैं, तो जी और ई यहाँ पे हो सकते हैं। अब देखो क्या इसके अलावा कुछ और नहीं दिया गया, तो हमको लेफ्ट में ऑलमोस्ट हुआ सिटेड इन द ऑलमोस्ट लेफ्ट एंड पूछ रहा है, तो लेफ्ट में ये आपका यहाँ भी हो सकता है, आपका यहाँ भी, दोनों में से मेरा क्लियर होने वाला नहीं है। हम लोग चलते हैं दूसरे फिगर की ओर, दूसरे वाले फिगर में देखेंगे क्या, दूसरे वाले फिगर में क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, एफ वाज इमीडिएट राइट ऑफ डी, एफ जो है वो डी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए डी वाज सीटेड लेफ्ट ऑफ सी, डी वाज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब लेफ्ट ऑफ सी कहीं भी सी के लेफ्ट में आपका कौन बैठा हुआ है, एच, है ना, कहीं भी आपका सी के लेफ्ट में आपका एच बैठा हुआ है। ई वाज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, है ना, थर्ड टू द राइट ऑफ क्या हो जाएगा, F, E, यहाँ कंफर्म, क्योंकि F मेरा पहले से अरेंज था यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा है, एंड एडजेसेंट टू C, मतलब C का एडजेसेंट है C, या तो यहाँ C या तो यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर लिखा है क्वेश्चन में कि G was seated third from the right end, G जो है वो राइट एंड से थर्ड है, तो यहाँ G हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ D, और सेकंड टू द राइट ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, सेकंड टू द राइट ऑफ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर यहाँ जी लिखेंगे तो ये वाला सी नहीं होगा, क्योंकि जी जो है आपका राइट से आपका तीसरा है, जब तीसरा हो जाएगा तो ये फिक्स है कि ई के बाद कोई नहीं बैठने वाला है, जब कोई नहीं बैठेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तीनों प्लेस पे कौन बैठ रहा है, आई डोंट नो, उनको नहीं पता है। जो नहीं पता उसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, बस जो आपका स्टेटमेंट बोलेगा उसके अनुसार चलिए, आंसर विद इन सेकंड आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 8 आपका बोल रहा है कि बी गॉट, एट पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एच वेयर रैंक फ्रॉम 1 to 8, जिनका रैंक आपका 1 से लेकर 8 तक है, फर्स्ट बीइंग द हाईएस्ट रैंक, मतलब आपका पहला वाला जो है वो आपका हाईएस्ट रैंक है, ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द इन दिस हिस्ट्री क्विज, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस इन द रैंक ए और ई, ए और ई का आपका रैंक का डिफरेंस क्या है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका पहला वाला क्या है क्वेश्चन में, कि बी हु गॉट ए हायर रैंक देन सी, बी जो है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 to 8 है ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, और इसी में आपका बन जाएगा पहला और दूसरा स्टेटमेंट का फिगर। तो ये आपका पहला वाला स्टेटमेंट, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, एकदम आराम से अरेंज हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे। चलिए तो पहला वाला क्या लिखा है, बी गॉट, बी हु गॉट ए हायर रैंक देन सी, मतलब बी जो है वो सी से ज्यादा रैंक लेता है, गेन करता है, गॉट एन इवन रैंक, मतलब आपका बी जो है वो आपका इवन रैंक गॉट करेगा, ठीक है। बी गॉट सेकेंड रैंक, मतलब बी आपका यहाँ भी सेकेंड और डी आपका यहाँ भी सेकेंड, एकदम कंफर्म इंफॉर्मेशन दिया गया है। There was 4 people between E और H, where E was rank higher, मतलब E और H के बीच में आपका 4 लोग हैं और E का जो rank है वो ज्यादा है, high है, ठीक है।
एफ गॉट फिफ्थ रैंक, एफ गॉट आपका कितना हो जाएगा, फिफ्थ रैंक हो जाएगा, कंफर्म आपका फिफ्थ रैंक हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका फिफ्थ हो जाएगा। अब ई और एच के बीच में मेरा सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन क्या है कि ई और एच के बीच में आपका चार लोग एडजस्ट है, तो ये चार लोग एडजस्ट है, बी आपका इवन नंबर पे, सी आपका पक्का आउट नंबर वाले बैठने वाला, देखने से ही पता चल रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो बी नहीं होने वाला है, यहाँ भी बी नहीं होगा, बी के लिए मेरे पास एक प्लेस खाली है, बी यहाँ और सी यहाँ, यहाँ में भी वहां बी और सी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चार लोगों का बीच में होना जरूरी है, वन टू थ्री फोर, अगर यहाँ ई को रखेंगे वन टू थ्री फोर तो यहाँ का भी एच नहीं बैठेगा, तो मेरा एच यहाँ होना चाहिए, एक दो तीन चार, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब क्या है मेरा यहाँ पे, यहाँ मेरा ए और जी का लोचा चल रहा है कि ए और जी मेरा होने वाला है, तो सिर्फ पहला वाला इन्फॉर्मेशन से नहीं होगा, ठीक है, हम लोग दूसरा वाला भी क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो मेरा दूसरा वाला इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, F was ranked immediately higher than C, ठीक है, F का जो रैंक है इमिडिएटली क्या है, higher than C है ना, और E जो है वो आपका फर्स्ट रैंक गॉट नहीं करता, तो ये सही है आपका, ये आपका पहला रैंक नहीं ले रहा है, ठीक है। G got an odd rank, G जो है वो odd rank गेन करता है, लेकिन आपका एक और पांच जो है वहां पे नहीं होगा, जी जो है एक और पांच पे नहीं होगा, भैया जी जब एक और पांच पे होगा ही नहीं यहाँ पे सेकंड वाले के हिसाब से, तो यहाँ पक्का क्या होने वाला है, ए, और यहाँ क्या होने वाला है आपका, जी होने वाला है, ठीक है। तो ये तो अरेंज हो गया, डी गॉट सेकंड रैंक, इसमें भी आपका वही बात बोला जो आपका फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में बोला था, तो इसमें भी आपका हाफ इन्फॉर्मेशन, इसमें भी आपका हाफ इन्फॉर्मेशन, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा मेरा वन इन्फॉर्मेशन, मतलब आंसर आपका वन और टू दोनों को मिलाने से आ रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा फाइव और ई, उसको बोल सकते हैं, ठीक है, आया होगा समझ में। चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। लिखा क्या गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, एकदम ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस काफी अच्छा है, ये सीरीज का क्वेश्चन से बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। गिवन बिलो इन सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर, ईच ग्रुप हैज अ फोर लेटर बट वन ऑफ लेटर हैज बीन सप्रेस्ड एंड इंडिकेट एज ए ब्लैंक, मतलब आपका चार लेटर का एक ग्रुप है जिसमें से आपका एक लेटर गायब है, वैकेंट है आपका दिया गया है, द लेटर व्हेन फिल्ड इन दिस ब्लैंक्स विल मेक ए ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर आपका हो जाएगा इन ए लॉजिकल पैटर्न फ्रॉम द प्रीसीडिंग एंड द फॉलोइंग ग्राफ्स ऑफ लेटर, है ना। तो आपका क्या है कि चार दिया गया, देखो यहाँ पे चार वर्ड का एक, चार लेटर का एक वर्ड है जी है, खाली प्लेस है, पी है और आपका ई दिया गया, ठीक है, फिर दूसरा क्या है के एल गैप और आपका ई दिया गया, फिर तीसरा क्या है पी टी आई गैप करके है पी टी और आई दिया गया, फिर ओ पी डैश और ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एकदम समझना कि ये जो भी खेल है या तो ये तो या तो वॉवेल का होगा आपका, ठीक है। दूसरा क्या कि ये नंबर ऑफ पोजीशन, अगर आपको पोजीशन याद है अल्फाबेट का, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट का अगर आपको याद है तो ये बहुत जल्दी आपसे बन जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन जब भी बनेगा तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन बनने वाला है, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग ऑप्शन रख के देखेंगे, तो यहाँ टी अगर ऑप्शन रखेंगे, यहाँ एल अगर ऑप्शन रखेंगे, ठीक है, यहाँ एक्स रखेंगे और यहाँ पी रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे डबल एल हो रहा है, यहाँ पे डबल पी हो रहा है, यहाँ एक्स पी हो रहा है, यहाँ टी पी हो रहा है, इसका पोजिशन सेवन है, अलेवन सिक्सटीन और ये फाइव, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 11 है, 12 है, 12 है, 5 है, ये 24 है, 16 है, 20 है, 9 है, 15 है आपका, 16, 16 और ये 9 दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला आपका ये चार लेटर का जो वर्ड है उसमें सीरीज ढूंढेंगे कि हो सकता है पहले का दूसरे से कनेक्शन हो, दूसरे का तीसरे से कनेक्शन हो, तीसरे से चौथे का कनेक्शन हो, अगर वो ना मिले तो अल्टरनेट ढूंढेंगे हम लोग, इसका इससे हो सकता है, इसका इससे और इसका इससे, कुछ भी आपका कॉमन टर्म, कुछ भी कनेक्शन आपका रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे 7 4 11 और 11 5 16, यहाँ देखेंगे 11 प्लस 1 12 0
24 नहीं मैच नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग अल्टरनेट देख लेंगे, 7 4 11 11 24 ये भी मैच नहीं कर रहा है, 24 और ये भी मैच नहीं कर रहा है। अल्टरनेट देख लेंगे, जी का केस है तो देख ही लिए, ठीक है अब तो कुछ बचा नहीं। अल्टरनेट अगर इसका अगर देखेंगे तो 7 और 24 11 और 16 16 और 20 5 और 9 ये भी कोई मैच नहीं हो रहा है। नंबर से 7 24 का डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा लग रहा है हमें, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका कुछ भी क्लू नहीं मिला मुझे, कुछ भी क्लू नहीं मिला। दूसरा वाला ऑप्शन आता है HMQ और K, ये ऑप्शन आते हैं। H के जगह पे 8 लिख दो, M के जगह पे 13 लिख दो, ये तो 20 रहेगा ही, यहाँ 17 लिख दो, और यहाँ K के जगह पे क्या लिख दो आपका 11 लिख दो। अब देखो 7 8 11 12 17 16 रिवर्स 15 16 वो सीक्वेंस मैच, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि जी से फिर तो वही कंडीशन हो गया, एच का नए वाले से नए वाले का देखते कनेक्शन कहीं हो सकता है ये मैच हो जाए। एच से एम का 8 से 13 8 5 13 और एम से क्यू का 13 4 17 क्यू से के का ना बिल्कुल ये भी मैच नहीं हो रहा आपका, तो ये भी सीक्वेंस आपका कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे फिर आपका थर्ड वाला ऑप्शन रखेंगे एल और यहाँ पे टी और यहाँ पे के, यहाँ पे क्या रखेंगे एक्स रखेंगे। एल का 12 ठीक है, टी का 20, किंग्स 11, एक्स का 24, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस में देखेंगे अब कि जी और एल 7 12 11 12 ये नहीं मैच हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे क्या कि 7 से 11 इधर मैच करेंगे, 7 से 11 अगर मैच करेंगे तो पहले से था 7 4 11 ठीक है। फिर अगर हम लोग देखेंगे एल का एल से मैच करेंगे तो 12 12 है, 12 4 16 है, 16 16 है, ठीक है ये तो सेम सेम लग रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अगर पी का मैच करेंगे इससे तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए 16 4 आपका क्या हो जाएगा 20, तो इस वाले का तो खत्म हो गया। अब 11 और यहाँ भी 11, ये तो दोनों सेम सेम है, सेम सेम है तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये एल आपका और ये देखो ये भी आपका 4 है, तो मैच हो रहा है, लग रहा है, ठीक है। फिर आपका टी यहाँ भी दोनों कॉन्स्टेंट है, दोनों सेम है। जैसे कि आपका जी यहाँ था तो 11 यहाँ पे, के था आपका एल यहाँ तो एल यहाँ, तो जो आपका बराबर दोनों में है उसको हम लोग नहीं मैच कर रहे, उसको हम लोग नहीं मैच कर रहे, जो डिफर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं मैच कर रहे हैं। जैसे P को T से मैच किए, इधर आपका L को P से मैच किए, ठीक है L को P से, G को L से मैच किए, फिर आपका L से P को मैच किए, ये हो चुका है। फिर एक और बार देखते हैं यहाँ पे, ये आपका 5 है और ये ITT तो दोनों कॉमन है, अल्टरनेट यहाँ ले रहा है, शायद अल्टरनेट ले रहा है। 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। टी भी दोनों में कॉमन है, टी और एक्स प्लस 4 हो जाएगा, आई दोनों में कॉमन। ओ आप समझ में आया, यहाँ पे यहाँ लिखा क्या गया है कि क्वेश्चंस में सब आपका सीक्वेंस दिया गया ऑप्शंस के हिसाब से, उसके बाद क्या किया गया मेरा यहाँ पे कि आपका वर्ड का अल्टरनेट लेटर लेकर क्या किया गया है उसमें 4+ किया गया, उसमें क्या किया गया आपका 4+ किया गया है, और किन लेटरों में 4+ किया गया जो आपका सेम नहीं है, जो आपका डिफर है, ठीक है। जो आपका पहले वाला डिफर था तो इसको कर दिया, दूसरा वाला अगर इस दोनों का बात करें तो पहला वाला क्या था आपका डिफर था तो 7 4 11 किया, दूसरा लेटर आपका सेम है, दूसरा लेटर आपका सेम है, फिर आपका तीसरा आपका डिफरेंट है देखो तो 16 और 4 20 कर दिया, चौथा आपका सेम है, तो सेम वाले को क्या किया है आपने 4+ नहीं किया है, लेकिन जो डिफरेंट है उसको क्या किया है आपका सब में आपका 4 4 4 ऐड करता चला गया है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा, म्यूट किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में क्या लिखा है कि इन ए क्लास ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ए लीनियर रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रैंकिंग का क्वेश्चन है, याद है देखने से पता चलना चाहिए कि रैंकिंग का क्वेश्चन है, और फेसिंग नॉर्थ है ना। साक्षी इज 18
पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, साक्षी जो है वो आपकी 18वीं है लेफ्ट हैंड से, ठीक है, और साना जो है वो 20वीं है, 20 है आपका राइट से, ठीक है। चलिए, इन इट इज गिवन दैट साना इज टुवर्ड्स राइट ऑफ साक्षी, राइट, सही। If 35 स्टूडेंट बिटवीन देम, 35 स्टूडेंट बिटवीन देम, देन हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास, मतलब टोटल आपका स्टूडेंट्स है कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जब भी पूछे, ठीक है, दोनों का तो रैंक दिया हुआ है, बीच वाले का भी पता है इतने लोग हैं, जोड़ दो सबको, 18 प्लस 35 प्लस आपका 20, ठीक है, 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13, 3 2 5 1 6 1 7, 73 स्टूडेंट। ये होता कब है, जब सबका अलग अलग रैंक दिया रहे और बीच में जो आपका गैप है उसका भी रैंक दिया रहे, तो हम लोग सबको जोड़ के निकाल लेते हैं, लेकिन टोटल नंबर स्टूडेंट का फॉर्मूला क्या है, रैंक फ्रॉम बोथ साइड माइनस 1, और रैंक फ्रॉम बोथ साइड किसका, किसी भी एक व्यक्ति का रैंक जो है वो दोनों साइड से होना चाहिए, लेफ्ट से भी होना चाहिए, राइट से भी होना चाहिए, या फिर टॉप से भी होना चाहिए, बॉटम से भी होना चाहिए, उसमें आपका क्या है कि रैंक फ्रॉम बोथ साइड माइनस 1 करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ देख लो, क्वेश्चन में जैसे बोलेगा कि राम का जो प्लेस है, ये राम का प्लेस आपका 9th है लेफ्ट से, और राम का जो आपका प्लेस है वो आपका 12 है राइट से, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो इसमें, तो रैंक फ्रॉम बोथ साइड माइनस 1, ठीक है, तो राम का रैंक आपका कितना है लेफ्ट से 9, राइट से आपका 12, माइनस 1, 12 9 कितना होता है 21 होता है, माइनस 1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 20। ये माइनस 1 इसलिए की है क्योंकि राम का रैंक लेफ्ट से भी है काउंटेड है और राइट से भी काउंटेड है, किसी एक ही राम का रैंक काउंट होना चाहिए ना, तो मेरा दोनों है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे माइनस 1 करते हैं, तो आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए कुछ मूवी का बात कर लेते हैं, 6 मूवी है, 6 मूवी है, ABCDEF नाम दिया गया शेड्यूल है ना, टू बी शोन इन ए थिएटर इन डिफरेंट स्लॉट, मतलब अलग अलग स्लॉट में जो है आपका दिखाया जाएगा, ऑल द मूवी वेयर शो इन ए 3 आवर, मतलब सारा मूवी आपका 3-3 घंटा का होने वाला है, ठीक है, कंटिन्यू मैनर, मतलब जिस टाइम से खत्म उसी टाइम से स्टार्ट, ठीक है, देयर वाज नो गैप बिटवीन टू स्लॉट, मतलब दो स्लॉट के बीच में आपका कोई भी गैप नहीं होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल इफ ए मूवी वाज शोन इन द स्लॉट 2 PM to 5 PM, देन द नेक्स्ट मूवी वाज शोन 5 PM to 8 PM, मैंने जैसे कहा था वैसे ही लिखा गया है, 12 से 3 में एक मूवी चल रही है, तो 3 से 6 में भी एक मूवी चलेगी, 3 बजे खत्म 3 बजे स्टार्ट, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा, द मूवी टिकट हैड द स्लॉट नंबर मेंशन ऑन इट, मूवी टिकट का जो नंबर है वो भी मेंशन किया गया, ठीक है, द मूवी वेयर बेस्ड ऑन डिफरेंट जेनरेस सच एज रोमांटिक थ्रिलर सस्पेंस कॉमेडी ट्रेजेडी एंड हॉरर नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, मतलब जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपके क्वेश्चंस में दिया गया है उसी ऑर्डर में यहाँ पे क्वेश्चंस आपका अरेंज हो, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा है, द हॉरर मूवी, एक काम करते हम लोग इसका एक स्लॉट है 1-2, आपका डिफरेंस दिया गया है सेम ऑर्डर में, तो हम लोग 1-2 लिख लेते हैं, नहीं उससे जल्दी मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्लॉट यहाँ दिया गया है, स्लॉट में क्या है, पहले तो नेम दिया गया मूवी का, फिर कौन से कैटेगरी का है ये दिया गया आपका, फिर आपका टाइम दिया गया है ना, फिर आपका टाइम दिया गया, और इधर मेहनी वाला पॉइंट, ठीक। चलिए इंफॉर्मेशन के तौर पे चलते हैं हम लोग,
क्वेश्चन में लिखा क्या गया है हम लोग एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और जो श्योर वाला होगा इस बॉक्स को सेट करेंगे, जो श्योर वाला नहीं होगा उसको इन्फॉर्मेशन नीचे स्टार बनाकर लिखते चले जाएंगे। द हॉरर मूवी हैड अ शॉर्ट नंबर ट्वाइस एज द एज दैट फॉर द मूवी ई, मतलब क्या लिखा है कि द मूवी द हॉरर मूवी हैड अ शॉर्ट ट्वाइस, मतलब आपका जो हॉरर मूवी है वो ई के दो दूसरे स्लॉट में होगा, ई के बाद क्या होगा दूसरे स्लॉट में होगा। तो पहला वाला मेरा इंफॉर्मेशन मिला क्या कि जो हॉरर मूवी है जो हॉरर मूवी है आपका ई के बाद दूसरे स्लॉट में होगा, ई यहाँ ई का स्लॉट ये पहला दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा हॉरर मूवी हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन में क्या लिखा है मूवी ई एंड डी वेयर सोन एट ए गैप ऑफ थ्री स्लॉट, मूवी ई और डी के बीच में कितना का गैप है तीन का गैप है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मूवी आपका ई और डी में क्या है तीन का गैप दिया गया है, एक दो तीन, ई मेरा यहाँ मिला हुआ था तो हम लोग ई पे ही अपना सारा कुछ लिख चुके हैं। चलो फिर क्या लिखा है कि द स्लॉट नंबर ऑफ ट्रेजडी मूवी वाज थ्री मोर देन स्लॉट ऑफ द मूवी टू बी सोन 12 पीएम ऑनवर्ड, लिखा क्या गया है यहाँ पे कि जो आपका 12 पीएम में जो शो स्टार्ट है जो आपका शो दिखाया जाएगा उससे आपका तीन से ज्यादा मतलब आपका तीसरा जो स्लॉट चलेगा उससे ज्यादा बार में आपका क्या दिखाया जाएगा ट्रेजडी मूवी दिखाया जाएगा, जो आपका ट्रेजडी दिखाया जाएगा। तो मान लो 12 पीएम से स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है 12 पीएम से स्टार्ट होता है 1 2 3, तीसरे वाले में क्या 12 पीएम है ना 12 पीएम ऑनवर्ड दिखाया जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा ट्रेजडी हो जाएगा है ना। तीसरे नंबर पे वहां पे ट्रेजडी मूवी वाज थ्री मोर देन द स्लॉट, तो आपका तीन भी हो सकता है फिर तीन से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है इसमें दोनों आपका चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा है कॉमेडी वाज नॉट द फर्स्ट मूवी टू बी सॉन्ग, कॉमेडी जो है तो आपका पहला मूवी नहीं होगा। हाँ एक बार चीज छूट गया कि एफ एंड द ट्रेजडी मूवी वेयर सॉन्ग इन कंसेक्यूटिव स्लॉट, मतलब एफ और ट्रेजडी वाला मूवी जो है वो कंसेक्यूटिव स्लॉट पे दिखाया जाएगा, ट्रेजडी के ठीक पहले आपका एफ या फिर ठीक बाद आपका एफ होने वाला है, दोनों साथ में ही होगा। बी वाज सस्पेंस मूवी, तो दूसरा क्या लिखा है कि बी जो है आपका क्या है सस्पेंस है, बी जो है वो आपका सस्पेंस वाला मूवी है। ठीक है मूवी सी हैड इवेंट बारे में देखो सी के बारे में क्या बोल रहा है, ठीक है सी के बारे में बोल रहा है क्या कि वो इवेंट नंबर वाले स्लॉट पे बैठेगा। ठीक है चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए और सी जो है वो कंसेक्यूटिव नहीं होगा, जहां ए बैठेगा वहां सी नहीं, जहां सी बैठेगा वहां पे ए आपका नहीं बैठने वाला है। ठीक है चलिए उसके बाद एक और चीज दिया गया था क्या कि देयर वर टू स्लॉट बिटवीन द कॉमेडी एंड थ्रिलर मूवी, मतलब कॉमेडी और थ्रिलर के बीच में आपका दो स्लॉट है, कॉमेडी और थ्रिलर के बीच में आपका दो स्लॉट है। द कॉमेडी मूवी वाज सोन बिफोर द थ्रिलर मूवी, मतलब थ्रिलर के पहले आपका कौन सा मूवी चलने वाला है कॉमेडी मूवी चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि सबसे बड़ा मेरा इन्फॉर्मेशन कौन सा है, टाइम तो हम लोग अगर एक बार टाइम हमको पता चल गया तो हम लोग 3-3 घंटा के स्लॉट पे सारा टाइम क्या करेंगे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे क्या कि यहाँ पे ई और डी के बीच में आपका कितना है तीन आपका स्लॉट है। तो मेरे पास मात्र दो ही पॉसिबिलिटी है, पहला क्या कि अगर ई को यहाँ रखेंगे 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, दूसरा क्या कि अगर ई को यहाँ रखेंगे तो यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है तो पहला वाला हम लोग लेकर पहले बना लेते हैं, ठीक है फिर दूसरा वाला ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो पॉसिबिलिटी तो लेना ही पड़ेगा ना, ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है और कॉमेडी वो भी आपका फर्स्ट में होने वाला है नहीं, और कॉमेडी और थ्रिलर के बीच में कितना होने वाला है आपका दो होने वाला है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि एक गैप करके, अगर एक गैप करके यहाँ पर हम लोग थ्रिलर हॉरर कर लेंगे पहले, क्योंकि हॉरर और ई के बीच में आपका दो लोग सॉरी एक लोग आपका बैठे हुए हैं। ठीक है चलिए अब कॉमेडी यहाँ नहीं होने वाला तो कॉमेडी एक यहाँ कर लेते हैं, कॉमेडी यहाँ करेंगे दो गैप करके यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्रिलर
थ्रिलर यहाँ पे हो जाएगा, और जैसे ही थ्रिलर यहाँ पे होगा कॉमेडी तो यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि दो गैप करके करके फिर नीचे तो थ्रिलर वगैरह आ नहीं सकता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रिलर यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब क्या है कि मेरा मेरा क्या बोला कि 12 यहाँ यहाँ 12 पीएम के दो स्लॉट के बाद मेरा एसडी चलेगा और उसके ठीक कंसेक्यूटिव आपका एफ होने वाला है, या तो ऊपर होगा या तो आपका नीचे होने वाला है। अगर यहाँ पे हम रखते हैं ट्रेजडी तो यहाँ पे एफ कभी नहीं होगा, अगर यहाँ पे रखेंगे मेरे पास एक ही जगह यहाँ पे है, यहाँ पे आपका कंसेक्यूटिव है ना, तो ये ऊपर होगा ठीक है, और जैसे ही ऊपर होगा तो दो स्लॉट खाली करके यहाँ पे दो स्लॉट जैसे ही यहाँ पे होगा मेरा, तो मेरा यहाँ पे दो स्लॉट होगा तो ये क्या हो जाएगा 12 पीएम से लेकर कितना बजे तक चलेगा 3 पीएम, फिर 3 पीएम से चलेगा आपका 6 पीएम, फिर आपका 6 पीएम से चलेगा आपका 9 पीएम, फिर 9 पीएम से चलेगा आपका 12 एएम, और 12 एएम से चलेगा आपका 3 एएम, और 3 एएम से चलेगा आपका 6 एएम। देखने से बड़ा दुपट्टा नहीं लग रहा, मैंने तो कभी आज तक मूवी 12 से 3 एएम में देखी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, उसके बाद क्वेश्चंस में क्या लिखा है, बी आपका जो है बी आपका सस्पेंस मूवी दिखाएगा, और ए और सी आपका इमीडिएट नेवर नहीं होने वाला है, सी आपका जब भी बैठेगा तो इवेंट पे बैठने वाला है, ठीक है। सी आपका जब भी कहा सी आपका जब भी बैठेगा तो इवेंट पे बैठने वाला है, और बी आपका सस्पेंस होगा, तो बी यहाँ कंफर्म सस्पेंस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ए और सी तो दोनों आपका ऑड और इवन है, ए और सी आपका ऑड और इवन है, ये तो आपका दोनों जगह इवन इवन है, तो दोनों जगह आपका बैठ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ आपका बचा कौन सा, यहाँ आपका बचा आपका कौन सा, ये कॉमेडी हो गया ना, और आपका बचा रोमांटिक, रोमांटिक मूवी हो गया, तो ये आपका आइदर और में आ रहा है, तो ऑप्शंस में अगर हम कहीं भी देखें तो कहीं भी आपका आइदर और में कोई भी सो फिक्स नहीं किए हुए, या कोई भी आपका ऑप्शंस कंडीशन ऑफ आइदर और में नहीं है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर क्या बोला, लॉरा मूवी हैड अ स्लॉट बिफोर ट्वाइस ऑफ द मूवी ई, है ना, ठीक है। ट्वाइस मूवी ई और हॉरर मूवी के बीच में कितना है, एक है ना, दो गुना, ठीक है, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है। मूवी ई एंड डी गैप ऑफ 3 स्लॉट 1, 2, 3 ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। द स्लॉट बिफोर द टेस्ट डी मूवी मोर देन 3 स्लॉट एंड द 12 PM ऑनवर्ड, ठीक है। द स्लॉट ऑफ द नंबर ऑफ द टेस्ट डी मूवी वाज मोर देन 3 स्लॉट नंबर मूवी shown on 12 pm onward f and sd movie were shown on consecutive slot, ye bhi sahi, there were 2 slots between comedy and thriller, ye bhi sahi hai, comedy and thriller ke isme do aapka hai, comedy movie was not the first to be shown, ye bhi sahi hai, it was suspense movie, ye bhi sahi hai, movie c had the even number slot, hai na, even number slot dono aapka fix nahi ho raha hai, a and c are not consecutive, अगर ए सी यहाँ होगा तो ए सी आपका यहाँ नहीं होने वाला, ये मेरे हिसाब से आपका दोनों जगह पॉसिबिलिटी जो है ये दो का पॉसिबिलिटी आ रहा है, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका आपका ऑप्शन है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास एक और ऑप्शन है, ये कौन वाला जो आपके 2 नंबर पे ई को बिठाया जाएगा, 2 नंबर पे ई को बिठाया जाए अगर वो कन्फर्म हो जाएगा तो वो मेरा सही होगा, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग फिर से एक बार ट्राई करते हैं, दो पॉसिबिलिटी तो लेना था ही, ऐसा क्वेश्चन से पॉसिबिलिटी में नहीं बनेगा, छोटा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन कम है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। चलो ई अगर यहाँ लेते हैं हम 1, 2, 3 यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आपका डी हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा तो फिर आपका क्या है, एक गैप करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉरर मूवी हो जाएगा, हॉरर मूवी हो जाएगा, और हॉरर ये कॉमेडी और थ्रिलर के बीच में कितना मूवी है आपका, 2 होना चाहिए, और फर्स्ट वाले में क्या कॉमेडी नहीं होगा, कॉमेडी अगर यहाँ पे रखेंगे 1, 2 गैप करके यहाँ क्या हो जाएगा, थ्रिलर मूवी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ थ्रिलर मूवी होगा तो अगर ट्रेजडी जो मूवी है मेरा, ट्रेजडी जो मूवी है मेरा, ये आपका जो है वो उससे ठीक पहले एक एफ होने वाला है, या फिर ठीक बाद एफ होने वाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ रखते हैं यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इसके ठीक पहले आपका 12 PM नहीं जाने वाला, कहीं भी एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर रखेंगे ट्रेजडी, यहाँ एफ कन्फर्म,
जैसे ही आप यहाँ एफ कन्फर्म तो टू स्लॉट देखे, यहाँ 12 पीएम कन्फर्म, और जैसे ही मेरा एक 12 पीएम का स्लॉट मिलेगा तो 12 से आपका 3 पीएम हो जाएगा, फिर आपका 3 पीएम से आपका 6 पीएम हो जाएगा, फिर आपका 6 पीएम से आपका हो जाएगा 9 पीएम, और आपका 9 पीएम से हो जाएगा आपका 12 एएम, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो 12 पीएम कन्फर्म इंडिया होगा, तो 12 पीएम से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ 9 पीएम आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ 9 पीएम आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 पीएम, 6 से 9 चलेगा, सॉरी 12 पीएम है ना, 12 पीएम से आ जाएगा फिर मेरा 9 एएम आ जाएगा, और 9 एएम यहाँ होगा तो 6 एएम यहाँ होगा, ठीक है। एंटी मटेरियल ये आपका एडजस्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका देखना है कि सी आपका इवन नंबर पे बैठ रहा है, तो मेरे पास सी का सिर्फ एक ही प्लेस खाली है इवन नंबर पे बैठने वाला, यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही होगा तो यहाँ पे आपका ए नहीं होने वाला, जैसे ही यहाँ ए नहीं होगा ए यहाँ कन्फर्म, और जैसे ही यहाँ ए कन्फर्म तो बी यहाँ कन्फर्म, और ये क्या हो जाएगा, सस्पेंस हो जाएगा, और बचा आपका रोमांटिक हो जाएगा। तो ये मेरा कंफर्म बैठ रहा है, ये मेरा क्या है, कंफर्म बैठ रहा है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ए और सी का या फिर किसी भी मूवी के नेम का। तो ये मेरा श्योर शॉट इंफॉर्मेशन है, ये मेरा कंफर्म सॉल्यूशन है, ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पहला वाला आपका क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, पहला वाला क्वेश्चन आपका बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी वाज ऑफ द रोमांटिक, है ना। तो ए आपका रोमांटिक है, चलो पहला वाला आंसर मिल गया। व्हाट वाज द स्लॉट टाइमिंग द हॉरर मूवी, हॉरर मूवी का स्लॉट टाइमिंग क्या है आपका, 3 पीएम से 6 पीएम, ये भी मिल गया। हाउ मेनी मूवी वेयर सोन बिफोर बी, बी से पहले आपका कितना मूवी दिखाया गया, 1, 2, आंसर हो जाएगा 2। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मूवी आफ्टर ई एंड सी, ई और सी के बाद कितना मूवी दिखाया गया। तो पहले चर्चा आपका किसका किया गया, ई का, बाद में चर्चा किसका किया गया, सी का। तो पहले ई के बाद कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 मूवी दिखाया गया। सी के बाद कितना मूवी है, 2, तो मतलब आपका 4 और 2 आंसर हो जाएगा, तो 4 और 2 ऑप्शन में है आपका 1 नंबर, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, डायरेक्शन पे आपका क्वेश्चन है ना, डायरेक्शन सेंस पे या फिर डायरेक्शन टेस्ट पे आपका क्वेश्चन दिया गया। लिखा क्या गया है क्वेश्चन में कि 10 प्लेयर आर स्टैंडिंग ऑन ए फुटबॉल ग्राउंड, मतलब 10 लोग हैं आपका, वो क्या है आपका फुटबॉल ग्राउंड में वो खड़े हैं, ठीक है। बी इज स्टैंडिंग 16 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, मतलब बी जो है वो आपका क्या है, 16 मीटर, बी जो है आपका वो 16 मीटर है ना, बी जो है आपका 16 मीटर ए से नॉर्थ में खड़ा है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, एंड 16 मीटर साउथ ऑफ डी, और आपका 16 मीटर क्या है, साउथ ऑफ बी खड़ा है, 16 मीटर आपका साउथ ऑफ बी खड़ा है, ठीक है। इसको अगर हाफ ऑफ करेंगे तो 800 मीटर, इसको हाफ ऑफ करेंगे तो, ठीक है, इतना लिखा गया है। Who is turned in standing 48 meter to the north of G? मतलब क्या, who लगाया आपका D के लिए, तो आपका D जो है वो क्या है आपका कि G के नॉर्थ में 48 मीटर है, ठीक है। 48 मीटर जैसे ही होगा, 48 मीटर है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 8, 8, 8, 8, 32 मीटर, और टोटल फिर यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पे आपका G जाएगा, तो ये भी आपका 8 मीटर, ये भी आपका 8 मीटर, 16 × 48, मतलब डी जो है आपका टोटल जी से आपका नॉर्थ में है कितना, 48 मीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि सी इज स्टैंडिंग ऑन द ईस्ट वेस्ट लाइन पासिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड बी, मतलब बी और बी के बीच का जो लाइन है उससे आपका सी और डी क्या करता है, उससे आपका सी और डी जो है वो आपका पास आउट है, यहां से 16 मीटर है ही यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सी और डी, ठीक है, ये हो चुका है। फिर आपका क्वेश्चन में क्या लिखा है, सी इज 10 मीटर अवे टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द बी, मतलब सी जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका बी से 10 मीटर की दूरी पर है,
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सी को यहां ले लेंगे, जैसे ही सी को यहां लेंगे तो आपका मान लो बी यहां, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर की दूरी पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है यहां पे कि बी एंड 32 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, और सी जो है आपका वो 32 मीटर नॉर्थ में है, सी जो है आपका 32 मीटर क्या है नॉर्थ में है एफ के, 32 मीटर एफ के। अब देखो यहां से ये मैच करेंगे, यहां से ये मैच करेंगे और यहां से ये मैच करेंगे, टोटल तो 32 क्या हो जाएगा यहां पे 32, या 8 16 24 और ये 32 कंफर्म है यहां पे कि 32 डिग्री आपका क्या है नॉर्थ में है एफ से आपका सी, ठीक है। ई इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ और सी, एफ और सी के बीच में आपका ई बैठा हुआ है, तो एफ और सी के बीच में आपका ई बैठा हुआ 32 है, तो भैया 16 ऊपर 16 नीचे होने वाला है, यहां कंफर्म आपका क्या बैठा हुआ है ई आपका बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन क्या लिखा है, अदर थ्री प्लेयर एच आई जे आर स्टैंडिंग 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ सी ई एफ, मतलब क्या कि 6 मीटर डिस्टेंस पे आपका यहां पे कौन कौन खड़ा है, एच आई और यहां पे जे खड़ा है, यहां भी 6 और यहां भी आपका क्या होने वाला है 6 मीटर होने वाला है। जब ये आपका 10 है और ये आपका 8 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, 100 में से 64 किया 36 बराबर 6 मीटर, तो यहां लिख सकते हैं ये 6 ये 6 और ये भी आपका क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा है नोट करके लिखा है, व्हेनेवर अ प्लेयर पासेस फुटबॉल टू अदर प्लेयर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉल इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेयर, मतलब जब एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक बॉल पहुंचेगा तब क्या है वहां का डिस्टेंस जो है आपका शॉर्टेस्ट होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका होना चाहिए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यह पासेस द फुटबॉल ई, एफ जो है ई के पास फुटबॉल क्या करता है पास करता है, ठीक है पास करता है, हु पासेस इट टू बी, अब यहां क्या है कि यहां से ये पास किया ई के पास और ई जो है वो बी के पास पास करेगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका यही होगा ना ई और बी का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आपका यही होने वाला है ई और बी का, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला क्या यहाँ पे कि फुटबॉल ड्यूरिंग द पासिंग सीक्वेंस है ना, ट्रेवलिंग पूछ रहा है, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फुटबॉल ड्यूरिंग द पासिंग सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है, तो हम लोग इसका निकाल लेंगे, आपसे यहां से यहां तक गया तो टोटल कितना हो जाएगा 16 मीटर, मतलब एफ से ई की दूरी, एफ से आपका ई की दूरी कितना हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है, और ई से बी की दूरी, ई से बी की दूरी आपका कितना हो जाएगा 10 बराबर 26 मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ जी पासेस द फुटबॉल डायरेक्टली टू जे, मतलब जी जो है वह आपका डायरेक्टली पास करता है फुटबॉल जे के पास, कंफर्म इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जी यहां से यहां तक, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ क्या है 6 6 12 हो गया, जब ये 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या करेंगे हमको ए बी सी अगर यहाँ निकालना हो तो ए सी निकालेंगे ना, तो जैसे ही ए सी निकालेंगे तो रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर बी सी प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 6 6 12 हो गया, ये आपका टोटल कितना हो गया 8 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 144 प्लस 64 कितना हो जाएगा 802 200 आपका 8 हो जाएगा, तो ये 208 का तो रूट निकाला नहीं जा सकता, तो आपका 208 का अंडर रूट ही आ जाएगा, आपका आंसर आपका यही हो जाने वाला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि इफ ए मूव्स 8 मीटर टू द साउथ, इफ जो है ए जो है वो क्या करता है साउथ की ओर 8 मीटर मूव करेगा, अगर ए आपका साउथ की ओर 8 मीटर मूव करेगा तो भैया ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल पोजीशन है ना, साउथ फ्रॉम इज ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम दैट पॉइंट ही पास ए बॉल आई, देन फाइंड द डिस्टेंस है ना, उसके बाद क्या है कि आपका ओरिजिनल पोजीशन से आपका नीचे 8 मीटर साउथ में आपका पास करेगा बॉल, तब क्या है वहां से वो यहाँ यहाँ वाले पॉइंट से जहां से 8 मीटर साउथ में चला है
वहां से फिर आई के पास पास करेगा, बहुत आई के पास क्या करेगा पास करेगा, तब उसका डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे ए बी और सी, हमको यहाँ पे सॉरी यहाँ बी रखो यहाँ सी रखो पता चलेगा। तो ए सी तो हमको निकालना है, ए सी निकालना है, देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर प्लस 8 दूना 16, ठीक है 16 का स्क्वायर बराबर कर लो कितना आपका आ रहा है, जितना आ रहा है अगर स्क्वायर रूट निकलना है तो ठीक है आंसर आपका वही हो जाएगा। चलो 19 का देखो, 19 नंबर में क्या क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी रेस्पेक्ट टू जे, मतलब जे के रेस्पेक्ट में आपका डी का पोजीशन क्या है, तो रेस्पेक्ट टू बोला, जहां से टू या जहां से बोले ग्राफ हम लोग क्या करेंगे वहीं से खींचेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ हो जाएगा, आपका वेस्ट आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एच रेस्पेक्ट टू जी, रेस्पेक्ट टू जी बोला जी यहां से, तो यहां से खींचेंगे एच यहां पे तो नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।